लॉकडाउन के दौरान सुपौल में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, भीड़ को हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया पथराव, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहन को किया क्षतिग्रस्त। सुपौल सदर बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लॉकडाउन के दौरान स्टेशन चौक पर लगी भीड़ को हटाने के क्रम में पुलिस ने एक रिक्शा वाले को लाठी चक्का दी। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से रिक्शा चालक घायल हो गया। पुलिस की पिटाई से रिक्शा चालक को घायल होने की खबर जैसे ही अन्य रिक्शा चालक व ठेले वाले को मिली तो शहर में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित अन्य ठेले व रिक्शा चालकों ने गोलबंद होकर पुलिस के विरोध में मोर्चा खोलते हुए सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की जानकारी मिलने पर पुलिस जाम हटाने पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल हो गया तो वहीं दूसरी तरफ एक रिक्शा चालक के भी घायल होने की खबर है। बाजार में तनाव को देखते हुए स्टेशन चौक पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटनास्थल पर पहुंचे सदर SDM और मुख्यालय DSP की सख्ती के बाद माहौल शांत हो सका। सदर SDM मनीष कुमार ने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमला में है जो बाजार बंद कराने का समय है उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं बंद कराने। किसी बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय जिला मैनेजर थे उनके साथ झड़प हो गई थी और कुछ रात में मारपीट की वाली घटना नहीं हुई है। उसी बंद करवाने में हल्का झड़प हुआ है। सर हमले की पहले से तैयारी थी, कई पत्थर वहाँ बरामद हुए हैं। ऐसा देखिए जो अभी हम लोग देखें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पूर्व से तैयारी था। ये अचानक ही सारी बात हो गई जब झड़प हुआ उसी के बीच में तो आपस में कहा सुनी के बढ़ गई बात। जवान भी घायल हुआ है सर, हल्की चोट लगी है। एक हमारे पुलिस जवान को भी चोट लगी है, एक उधर से भी ठेला उधर को हल्की पुलिस से जितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। क्षतिग्रस्त नहीं, हल्का शीशा टूटा है एक का, जो उस समय ठेला वेंडर लोग थे उसी में आक्रोशित होकर उन्होंने कुछ किया है। जिसका जो जवान है घायल हुए, एक जवान घायल हुआ है हमारा, हल्का चोट लगा है। एक ठेला वेंडर को भी हल्की चोट लगी है। दोनों का सदर अस्पताल में इलाज भी कराने और पुलिस जाँच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।